कंप्यूटर सर आप? माय नेम इज संदीप नगराले, नमस्कार। संदीप जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपकी, जो नई आने वाली फिल्म है जिसकी घोषणा कर रहे हैं, अनाउंसमेंट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो मेरी हिंदी फिल्म है वो एक बायोग्राफी के ऊपर है, एक क्रिमिनल के ऊपर है, जिसकी बायोग्राफी और जो क्रिमिनल तो बहुत हुए हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, लेकिन ये जो क्रिमिनल थोड़ा डिफरेंट है, इनका जो बायोग्राफी है थोड़ा हटके है। तो इसमें से जो पिक्चर बना रहा हूँ मैं, इसमें समाज से का संदेश जाने वाला है कि क्या हिसाब से क्रिमिनल रहते हैं, जेल से रिहा होने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें लोगों को क्या संदेश मिलता है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये क्रिमिनल बाकी क्रिमिनल के जैसा नहीं है, इसका जेल के अंदर का भी जो रवैया है वो भी एक सीखने जैसा है। बाकी क्रिमिनल जो है वो अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसका जो बायोग्राफी है समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने बहुत सारी सर्च किया है, लीगल टीम से लेके कोर्ट से लेके सब जगह मैंने इसके बायोग्राफी पे सर्च किया। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए, जिससे रिलीज़ होने के बाद में समाज पे क्या संदेश जा सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है। तो एक वेरी डिफरेंट मूवी है। इसके लिए कितना रिसर्च किया और समाज को कैसा क्या संदेश जाएगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा? क्योंकि क्रिमिनल है तो फिर वो समाज से बाहर के लोग समाज से नकारा ही होते हैं। देखो, देखो क्रिमिनल कोई बचपन से क्रिमिनल होता नहीं है, हालात रहते हैं, कुछ मजबूरियां रहती है, जाने अनजाने में कोई क्राइम होता है। तो ये जो बायोग्राफी जिसकी है, ये समाज का संदेश देने जैसा ही बायोग्राफी है कि इसका जो रवैया है और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो किस तरह से चेंज हुआ है और किस तरह से था अंदर, तो उसको एक अलग से उसे समाज में एक संदेश जाएगा कि नहीं, क्राइम करने वाले भी लोग किस तरह से जीते हैं, उनसे क्या सीखने जैसा है और आज के स्थिति में उसकी क्या पोजीशन है और पहले वो आदमी किस तरह के था। तो बहुत सारे ऐसे संदेश व्यू निकलते हैं उसमें से, जिसमें समाज को सीखने जैसा, देखने जैसा एक मैसेज जाएगा। समीर जी, कौन है वो व्यक्ति, इसका नाम क्या? वो व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, लेकिन आज तक उसका नाम किधर कोई भी पब्लिक सिटी में आया नहीं है। और ये जो है सस्पेंस है, अभी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता ना, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट होगा उसमें सारा मैं नाम से लेके सब चीज आपको एक्सपोज कर दूंगा। उनसे बात हो चुकी है कि उनके बारे में बना रहे हो, उनके परिवार से बात हो चुकी है आपकी? उनसे बात हो चुकी है, राइट्स ले चुका हूँ, उनके परिवार से बात हो चुकी है, सारी चीज़ मैं लीगल टीम से हायर करके